इंडिया दे असी पंजाब दे विच देखिए गुरु साहब दे टाइम जो गुरु नानक देव जी का प्रकाश होया उस वेले उत्थे मुसलमान भी आ वो एक रब नूं मनदे आ वो कहंदे गॉड इज वन। हुण उन्हां दा रब कहंदा आ फिर भाई जे तुसी सूर खादा ना तो पाप लगू था। दूजे पासे हिंदू आ उन्हां दा रब कहंदा आ जे तुसी गां खादी फिर पाप लगू। हुण एक रब कहता है कि सूर नहीं खाना गां बेशा खा लो, दूजा कहता है गां नहीं खानी सूर बेशा खा लो। दावा दोए ये करते हैं कि सृष्टि ये धरती रब ने बनाई है पर वो कहते साडे वाले रब ने बनाई है। जिहड़ी मैं गल करदा सीगा भई जां तां कबूल लईए असीं भई ये बणिया सी सारा कुछ जो सीगा उहनूं कलम बंद करके प्रोटोकॉल के अंडर लिया के एक धर्म का नाम दे दिता गया है। जे असीं कहने भी नहीं नहीं इदा नहीं हैगा पहला वो होया साडे वाला जिहड़ा उन्हें सारा कुछ बनाया है आपो अपनी फिलोसफी दे रहे हैं। कोई कहता पहला आ चीज़ उन्हें बनाई फिर आ बनाई फिर आ बनाई फिर आ बनाई ठीक है। हुण जिहड़े एक फिलोसफी नूं मनने वाले लोग आ जिहड़े ये दावा करते आ कि साडे मुताबक रब इदां दा आ रब ने आ बनाया ऐ कम करूगा तो इंसान वधिया होऊगा ऐ कम करूगा तो वह घटिया होऊगा इहदा समाज नूं फायदा आ इहदा समाज नूं नुकसान आ। वो काम उन्हें अपने धर्म के राही ग्रंथां के राही किसी भी तरह लोगों के मूहरे रख दिते। हुण वो मिणिया किद्दां जावे भी किहड़ा वधिया आ उहदी मिणती हैगी समाज उन्हें मनने वाले लोग हैगे किद्दां दे। जे वो फरीबी आ झूठ बोलने वाले आ लुट्टां करने वाले आ ठीक है फिर ओबवियस आ भी वो रब बेईमान आ वो पार्शलिटी करता है। जदों मुगल आए आ इंडिया दे विच जिहड़ा दावा किया जाता भी मंदिर ढाए तो अगले 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 कहंदे आ भी बहुत सारे थावां ते अगले औरंगजेब दे बारे कहा जाता है पे उहदी एक राणी भी इदा मंदिर मत्था टेकन गई तो उत्थों लभी सी मंदिर के भोरे दे विचों वो अगले वो दावा करते हैं। हुण तुसीं अपने बाबियां बारे सी सौदा गुरमीत राम रहीम सौदा साहब दे बारे आशुतोष बारे कितना कुछ कहा जाता है किन्नियां होर उदाहरणां मिलदियां आसे पासियों की कुछ कीता ਜਾਂਦਾ धर्म के नाम देते है ना। हुण जिहड़ा मेन जो ना धर्म की गल जी चाहे गुरु साहब की गल करिए असीं चाहे ईसाई धर्म की गल करिए सारियां दे अंदर जिहड़े कितों ना कितों जिथे शुरुआत हुई आ वो कोई इनकलाब कोई क्रांति कोई समाज नूं सुधारने वाला किसी बादशाह नाल टक्कर किसी समाज नाल टक्कर सारियां दा इतिहास उन्नी किदे फर्क ना इदां इदां दे अंश समोई बैठा है ठीक है। ਉਹਦੇ ਚ एक चीज़ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਛਾਣਨੇ ਵਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਧਰਮ ਦੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆ ਜੋ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਸਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਕਬਰ ਆ ਕੇ ਝੁੱਕ ਗਿਆ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ उस वेले एक गल मन्नी जाती आ भी जिहड़ा लीडर जिहड़ा आगू जिहड़ी कोई किताब जिहड़ा कोई संविधान जिहड़ी कोई मर्यादा इनकलाबी तत्त समूई बैठी है ना जिहड़ी लोकां नूं बदलण दी ताकत रखती है जिहड़ी लोकां नूं मगर लाउण दी लोकां दे अंदर इनकलाबी तत्त भरन दी हिम्मत रखती है अपने तत्त रखती है वो जिद्दण उहदी पूजा शुरू हो गई उदण लोगों ने उस तरीके नाल उहदे पैरोकारां ने उस तरीके नाल इनकलाबी भावना दे नाल उन्हें देखणों हट जाना। यह गल बादशाह राजियां नूं चंगी तरह पता है। साडे विद्वान आ जिहड़े साडे स्कॉलर आ जिहड़े सिख धर्म के बारे जिहड़े लिखते आ, ईवन जदों भारतीय लोक नीच किवें बने वो गुरनाम सिंह ने किताब लिखी आ। जिन्ने भी बंदे ये दसते आ कि जिहड़ा हिंदू ब्राह्मण पुजारी सी ना वो बड़ा शास्त्र सी ते वो मनदे आ इस गल नूं कि महात्मा बुद्ध तां किसे रब नूं मनदा ही नहीं सी। इदां दी शक्ति नूं परवाह नहीं सी करदा। हिंदुस्तान दे विच रब भगवान मालक एक जो भी आ वो कहण दे अर्थ सीगे हिंदू धर्म विष्णु। असी भी जदों गुरु नानक देव जी की गुरु साहब की गल होती है तो फटाफट वो जिहड़े उहदे जिन्ने अवतार होए 14 अवतार होए आ उन्हां दे नाल जोड़ दिता जाता। सूरज प्रकाश वर्गे ग्रंथां ने खुद मन लिया। ठीक है, हुण जदों वो पुजारी नूं इस गल का पता आ फिर महात्मा बुद्ध वर्गे वर्गियां दे भी बड़े बड़े बुत ला के हिंदू देवतियां नालों बड़े बड़े बुत इंडिया दे विच मिलदे आ। महात्मा बुद्ध दे बुत लग गया, मूर्ति बन गई, पूजा होनी शुरू हो गई। पूजा होनी शुरू हो गई तो सत्कार तो होने लग पिया। पूजा होनी आ जिहड़ी उत्थे पुजारी भी होना आ, वो चाहे किसी भी कैटेगरी दे विच होवे, किसी भी धर्म दे विच होवे, चाहे वो पूजा मूर्ति दी हुंदी आ, चाहे किसी देवते दी हुंदी आ, चाहे किसी उन्हां दे जीवित गुरु दी हुंदी आ, चाहे असीं कहिए गुरु ग्रंथ साहिब दी हुंदी आ। जिथे पूजा होनी शुरू हो जानी आ उत्थे पुजारी ने बैठना है। पूजा दे विच धान भी आना आ, पूजा दे विच समान भी आना आ, पूजा दे विच पैसे होने आ, पूजा दे विच रस्ता होनी आ, पूजा दे विच शरीर होने आ, पूजा दे विच लोकां दा मन होना आ, पूजा च लोकां दे अपने विचार होने आ। किसी ने कुछ अर्पण करना, किसी ने कुछ अर्पण करना। जिथे पूजा होनी आ उत्थे लोकां ने आके शरीरक तौर ते काम भी करना। हुणे आ प्रोग्राम तो पहला भाई साहब हुणां दा क्लिप आपां सुणदे सी जिहदे च वो गल करदे सी देवदासियां दी। वो भी पूजा ही आ, पूजा दे विचों निकलिआ। अगला जिहड़ी ओहदी फिलोसफी आ, इह ओहदा मनणा आ जे असीं कहने आ। असीं जदों अखंड कीर्तन जत्थे दी गल करदे आ, जिहड़े भाई रणधीर सिंह दीआं किताबां तुसीं पढ़ के देखो, वो मनदे आ कि जदों तुसीं इहदा नाम जपदे तां गुरु गोबिंद सिंह खुद आ जांदे आ खालसे दे। उन्हें तो कई किताबों लिख दिता इदा भी फलाने बंदे दे संगल लगा इदा कोठियां ते घोड़ियां दीयां टापां दी आवाज़ सुनी तो आके 10वें पातशाह ने संगल तोड़ दिते। जिहड़े बाबे मिलटरी दे विच जॉब करदे सी उन्हां दे बारे कहानियां ये प्रचलित आ पे वो आप अमृत संचार करा रहे सी ते 10वें पातशाह की ड्यूटी करते रहे उहदी। तो बाबा जी गुरुद्वारे नाम जपते सी, बाबा जी अमृत संचार कराउण गए सी, जदों मुड़ के हफ्ते बाद गए तो साहब कहंदा तुसीं तां ड्यूटी बहुत वधिया कीती, तुसीं तां काम बहुत वधिया कीता। फिर वो शरशार हो गए। फिर उन्हें अखां मीटियां ते इदां लग्या, उन्होंने सुनेहा मिलिया, सामने गुरु साहब प्रगट होए ते फिक्र काते करदा, मैं तेरी पिठ ते खड़ा आ, जे तू मेरे खालसे नूं तू अमृत छका रिहा ते मैं तेरी ड्यूटी करूँगा। और जे फिलोसफी आ, जे मनौत आ, जे मनिया ये जाता आ तो उहदे सिट्टे दिखाने पैने तैनूं सानूं। कोई कोई नानक सरीए कहंदे आ कि गुरु नानक देव जी आउंदे आ, वाकई इशनान करके जाते आ, कशहरा गिला पिया हुंदा, बाल्टी पानी की भरी खत्म हुई हुंदी आ। हुण जिहड़े टकसाली आ कड़ा प्रशाद रखते आ, वो कहंदे नहीं गुरु साहब आके प्रशाद छकदे आ। अगले दावा करते हो कहते भी देग जो प्रसाद बनाया जाता जो अरदास वेले कौली च पा के रखा जाता आ उन्होंने तुसी बाद तोल के देख लो। हुण भोग लगे वो कहते जो देग बना के रख ली तुसी ते तुसी अरदास कीती आ, उहदे तुसी कहना भी आप जी को भोग लगे ये कहना आ ते कह के उहदे बाद नाप के देख लो। तुसी जो अरदास ससीए शब्द वरतदे आ ते गुरु साहब खुद आउंदे आ ते खुद छक के जांदे आ, घट जांदा भार कहंदे उहदा। उनकी जो भा फुटती आ की हुंदा, कोई भी कारण होगा कृपान भेटा करके या वैसे दो देगा बना लो, दो बखरे बखरे कमरिया च रख दिओ, एक गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी दे विच रख दिओ, एक दे विच अरदास करके शब्द वरत के 3 बना लो। चलो ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਭਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰ ਤੋਲ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ। एक एक गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी पई हो जिथे अरदास करके कहा जाए भी आप जी को भोग लगे, एक होर थां पई हो उत्थे गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी अरदास करके यह कहा जाए भी आप जी को कृपान भेटा करके प्रवानगी होवे। तीजी नूं कुछ भी ना किया जाए, जिन्ने मिनट उत्थे लगदे आ 15 मिनट उन्होंने रख दो, तिन्नां नूं तोल लो शरदां नूं पासे रख के अपनियां भावनावां नूं सप्रेस करके इमोशन तो बाहर हो गए। नहीं तो साढ़े ग्रंथों के विचों हवाले दे के अगले ने सानू दिखा देना भी भाई थोड़े ग्रंथ ये कहिंदे आ जिहड़ा जिहनूं प्रशाद कहिंदे असीं ये देवतियां दी पूजा है। आटा किहड़े देवते नूं समर्पित आ, घिओ किहड़े देवते नूं समर्पित आ, मिठा किहड़े देवते नूं समर्पित आ, पानी किहड़े देवते नूं समर्पित आ ते अग किहड़े देवते दी पूजा है। हुण जदों जिहड़ा भी धर्म जिहड़ी भी विचारधारा जिहड़ी भी फिलोसफी जो कुछ दस्या जा रहा लोकां नूं उहदे आधारित लोकां दे विचार बन जांदे आ, मानतावां बन जांदियां। जदों जिहड़ा पुजारी आ जिहड़ा आगू आ धर्म दा, ठीक है, वो ये कह रहा है जे तुसीं नंगे टाइम मत्था टेकण आओगे तो आ मिलदा, फिलोसफी दे दित्ती उहने। जे तुसी निशान साहब की परिक्रमा करोगे, जे तुसी इस तरीके का दीवे जगाओगे, जे तुसी उत्थे धूड़ नूं मत्थे ना लाओगे भी इदां मत्थे दे उत्ते जिहड़े तुहाडा कालखिया जो कुछ आ वो मिट जांदा, संगत दा सारे लोकां दा ज्ञान जिहड़ा तुहाडे सिर दे विच आ जांदा। जे तुसी ये फिलोसफी दिंदे आ जदों तुसी गुरु ग्रंथ साहब मूहरे मत्था टेकदे आ इहदा मत्था थल्ले लाउने आ ते जो ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਉਲਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਆ, ਸਮਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਉਹਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਠੀਕ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਦੇ ਲਈ जे तुसी 500-600 साल पिछे जाके क्रिश्चियनिटी नूं पढ़ोगे थानूं पता लग जाऊगा। तुसी रशिया की क्रांति जिहड़ा 20वीं सदी के शुरू का टाइम आ, पहली संसार जंग तो पहलां दा, ईवन 30-40 साल पहलां तो लैके उत्थे किदां लोक किदां अयाशी दे नाल उत्थे जिहड़ा क्रिश्चियन पुजारी जी रहा है, किन्ना अमीर मुल्क आ हो, किन्ना पैसा उहनां दे कोल, आम लोगों की गुरबत किदां हो रही है और किस हद तक वो गुस्से नाल भरे हुए रोसे नाल भरे हुए आ, किदां किदां उन्हां दे अंदरों जहर निकलदी आ, किदां क्रांति जन्म लैंदी आ। हिंदू धर्म के अंदर किदां दी आवाज़ां उठदियां, अज इन्नी सहनशीलता उन्हां दे अंदर आउण दा कारण की आ, अंदरों कित्थों कित्थों की कुछ होया है। कबीर साहब आ हिंदू धर्म के विरुद्ध उठी हुई आवाज़ आ ना, भगत रविदास जी उन्हां दे विरुद्ध उठी हुई आवाज़ आ, भगत नामदेव जी। हाँ, ये गल बखरी आ भी वो छात्र पुजारी उन्होंने लैंदा किस तरीके नाल आ। हुण भगत नामदेव जी के नाम के उत्ते बनिया होया देहा उहदा जिहड़ा बिल्डिंग का सारा ढांचा स्ट्रक्चर बिल्डिंग बनाई इस तरीके नाल दित्ती अगले ने, ठीक है, जिधरों एंट्रेंस आ होर तरह आ, जिधर दरवाजा हुण मतलब उन्होंने शो ये कर दिता भी देखो जी इदा इस तरीके नाल पुजारी ने, हिंदू ने, ब्राह्मण ने, वो शूद्र नूं अंदर नहीं आउण दिता, वो पिछले पासे बैठ के पूजा करन लग पिया ते आउण लग पिया ते बीठल ने उहदे रब ने भगवान ने पुजारी नूं पिठ दिखाती ते मंदर ही घुमा के उहदा मूँह उहदे नूं कर दिता ते मैं तां तेरे नाल आ। हुण सानू ये चीज़ां असीं अपने विद्वानां दे बारे अक्सर ही गल कहने आ भी जदों कोई गल कर लगदा ना एकदम उहदे च ना उबाले च ना जिया करिए। भगत रविदास जी दे नाल हुण ओह ब्राह्मण अपनी माता गंगा नूं कपड़े भेंट करदा, वस्तां भेंट करदा, पत्थर अपना ठाकर ओह लैके तारदा, ठीक है। हुण जदों ओह कहानी जानी ये कहंदी आ भी जदों भगत रविदास जी ने अपना पत्थर तारिया ते ओह गंगा ने उत्ते तार दित्ता, ब्राह्मण का हिंदू पुजारी का डुब गया। असी खुश हो जाने पुजारी नूं पिठ दिखाती बीठल ने, भगत नामदेव जी वाल नूं मूँह कर लिया, मंदरे घुम गया। असीं खुश हो जाने।